हे गाइस, कॉमिक क्विज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सुपीरियर स्पाइडरमैन के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्पाइडरमैन बनने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस कई सारे विलन्स को काफी बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और उसी के दिमाग में मौजूद पीटर की कॉन्शियसनेस अपने हाथ का यूज करके कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तब ये चीज रियलाइज होती है कि वो अभी अपने दिमाग के लैंग्वेज सेंटर को यूज नहीं कर सकता था। और ऑटो ऑक्टेवियस की ये सारी हरकतों को देखकर एवेंजर्स उसे अपने टॉवर में बुलाकर एक फिजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। और इसी इवैल्यूएशन में एवेंजर्स को तो ऑटो के शरीर में कुछ भी खास मिलता नहीं है, लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस अपनी ब्रेन की वेव्स को देखकर ये चीज समझ जाता है कि उसके अंदर पीटर की कॉन्शियसनेस अभी भी मौजूद है और वो उसे इरेज करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर की होराइजन लैब से होती है, जहां पर ऑटो ऑक्टेवियस अपने न्यूरोलिटिक स्कैनर को लगाकर पीटर की कॉन्शियसनेस को इरेज करने के लिए तैयार था। और उसी के दिमाग में मौजूद पीटर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसे अपनी कॉन्शियसनेस को बचाना होगा, क्योंकि अगर ऑटो ऑक्टेवियस ने उसे इरेज कर दिया तो वो कभी भी अपनी बॉडी को टेक ओवर नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑटो ऑक्टेवियस अपनी मशीन को ऑन करता है और एक एक करके पीटर पार्कर की सारी मेमोरीज को इरेज करने लगता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि पीटर की कॉन्शियसनेस उसके दिमाग में सिर्फ इसीलिए मौजूद थी क्योंकि उसके पास अभी भी पीटर की मेमोरीज थी, और उन्हीं सारी मेमोरीज ने मिलकर पीटर का एक अलग कॉन्शियस बना दिया था। और अगर ऑटो ऑक्टेवियस को पूरी तरह से पीटर से अपना पीछा छुड़ाना था तो ये करने का उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अपने दिमाग से पूरी तरह से पीटर की मेमोरीज को इरेज कर दे। पीटर इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि ऑटो ऑक्टेवियस दरअसल में क्या करना चाहता था, और वो उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ऑटो ऑक्टेवियस अपनी मशीन का यूज करके पीटर की मेमोरीज को वाइप करना शुरू कर देता है, लेकिन पीटर पार्कर अपनी सारी विल पावर को फोकस करता है और धीरे धीरे करके वो उस मशीन के इफेक्ट्स को रिवर्स करने लगता है। लेकिन ये देखने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस इस बात को समझ जाता है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए उसे पीटर के दिमाग में जाना होगा, और ये सोचने के बाद वो उस डिवाइस का यूज करता है और पीटर के दिमाग में पहुंच जाता है। ऑक्टेवियस को देखने के बाद पीटर उससे कहता है कि ऑक्टेवियस ऑक्टोपस ने उसके दिमाग में आकर एक बहुत बड़ी गलती करी थी, क्योंकि उसके दिमाग में उसकी सारी मेमोरीज मौजूद थी जिनका यूज करके वो ऑटो ऑक्टेवियस को काफी आसानी से हरा सकता था। और ये कहने के बाद पीटर अपनी मेमोरीज का यूज करता है और अपने चाहने वाले सारे लोगों को वहां पर बुला लेता है, जो वहां पर पहुंचकर ऑटो ऑक्टेवियस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पीटर उससे कहता है कि वो सारे के सारे लोग दरअसल में उसको स्ट्रेंथ देते थे और उन्हीं की वजह से पीटर किसी भी सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकता था। ऑटो ऑक्टेवियस उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी जेन, क्वेन स्टेसी, जे जोना जेम्सन, अंकल बेन और आंट मे की मेमोरीज मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं। मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि आखिरकार ये सब कुछ हो कैसे रहा है। पीटर और ऑटो ऑक्टेवियस दरअसल में पीटर पार्कर के दिमाग में हैं, और ये सारे के सारे लोग दरअसल में पीटर के दिमाग में मौजूद उन सारे लोगों की इमेजेस हैं जो उसके दिमाग ने इतने सालों की मेमोरीज के बाद क्रिएट करी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कोई दोस्त है तो उसे लेकर हमारे दिमाग में उसकी एक इमेज होती है, और वो इमेज बनती है हमारे उस इंसान के साथ अच्छे या फिर बुरे मोमेंट स्पेंड करने की वजह से। और ये सारे के सारे लोग दरअसल में पीटर के दिमाग में वही सारी इमेजेस थी जो इतने सालों में उसने कई सारे अच्छे और बुरे मोमेंट्स को स्पेंड करके बनाई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो दूर हुआ होगा। तो कहानी की तरफ एक बार फिर से वापस लौटते हैं, जहां पर ऑटो ऑक्टेवियस पीटर की उन सारी मेमोरी से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वो पीटर से कहता है कि पीटर ने ये चीज कैसे सोच ली कि ऑटो ऑक्टेवियस बिना किसी तैयारी के वहां पर आया होगा। और ये कहने के बाद पीटर को उसके पीछे से कई सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और वो पलट कर देखता है कि पीटर के सारे विलन्स वहां पर आ पहुंचे थे। ये सारे के विलन्स दरअसल में पीटर के दिमाग में मौजूद उसकी सारी सबसे बुरी मेमोरीज थी, जिनके बारे में सोचते ही पीटर हमेशा परेशान हो जाता था। उन सारे विलन्स को देखने के बाद पीटर ऑक्टेवियस से कहता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं है। और ये कहने के बाद वो उन सारे विलन्स को कहता है कि पीटर को छोड़कर उसके सारे चाहने वालों को मार दो। पीटर उससे कहता है कि ऑक्टेवियस ने प्रॉमिस किया था कि वो पीटर के चाहने वालों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि वो लोग पीटर के दिमाग में थे और इसी वजह से वहां पर मौजूद सारे के सारे लोग दरअसल में पीटर की मेमोरीज थे। और ये कहने के बाद उन्हीं में से एक विलन अंकल बेन को शूट कर देता है।
पीटर इस बात को समझ नहीं पाता कि वो दरअसल में सिर्फ उसकी एक मेमोरी थी जो उसकी आंखों के सामने ठीक वैसे ही चल रही थी जैसी वो असल लाइफ में हुई थी। और अंकल बेन की हालत को देखकर पीटर काफी बुरी तरह से हताश हो जाता है। वो वहीं घुटनों पर बैठकर ऑक्टेवियस से दया की भीख मांगने लगता है। वो उससे कहता है कि ऑक्टेवियस को ये सब कुछ रोकना होगा क्योंकि अब वो इस चीज को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि वो पीटर से इस चीज के लिए माफी चाहता है, पर अगर उसे पीटर के शरीर को पूरी तरह से टेक ओवर करना है तो उसकी मेमोरीज का पूरी तरह से इरेज होना जरूरी था और इसी वजह से पुराने पीटर पार्कर को अब जाना होगा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद पीटर उससे कहता है, अगर ये बात है तो फिर ठीक है क्योंकि मैं पीटर पार्कर से कहीं ज्यादा हूँ, क्योंकि मैं हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन। और ये कहने के बाद वो अपनी स्पाइडर कॉस्ट्यूम को पहनकर ऑटो ऑक्टेवियस पर छलांग लगा देता है। वो उससे कहता है, तो ठीक है ऑटो, तुम और मैं एक आखिरी बार, और जो भी जीता ये सब कुछ उसका। और स्पाइडरमैन को देखते ही ऑक्टेवियस काफी बुरी तरह से घबरा जाता है और वो अपनी आर्म्स का यूज करके वहां से भागने लगता है। लेकिन स्पाइडरमैन एक ही झटके में उसके पास पहुंचकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। वो उससे कहता है, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जिस सेकंड तुम्हें ये चीज पता चली कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुमने सबसे पहले मुझे डिस्ट्रॉय करने का सोचा। और अगर तुम्हारी जगह कोई भी रिस्पॉन्सिबल होता तो वो क्या करता? वो मेरा शरीर मुझे वापस कर देता। लेकिन तुमने बिल्कुल उसका उल्टा किया। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ ऑटो, तुम अभी भी यहाँ पर सही चीज करके ये बात साबित कर सकते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो। स्पाइडरमैन से काफी बुरी तरह पिटने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस के मुंह से काफी सारा खून बहने लगा था और वो अपने घुटनों पर बैठकर उससे कहता है कि वो इस बात को समझ चुका है कि अब उसे क्या करना है। उसे रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और इस दुनिया को वो चीज देनी होगी जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और उस चीज का नाम था द सुपीरियर स्पाइडरमैन। और ये कहने के बाद ऑटो ऑक्टेवियस भी अपनी सुपीरियर स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर पीटर पार्कर पर कूद पड़ता है। ऑक्टेवियस को देखने के बाद पीटर उससे कहता है कि ऑक्टेवियस पूरी तरह से पागल हो चुका था क्योंकि वो अपने आप को भी एक स्पाइडरमैन समझने लगा था। लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि उसने स्पाइडरमैन बनने के बाद कई सारी चीजें अकम्प्लिश करी थी, ऐसी चीजें जो पीटर पार्कर ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी थी, और उसके एक्शंस की वजह से अब न्यूयॉर्क शहर की पुलिस और जे जोना जेमसन भी उसका साथ देते थे। लेकिन पीटर उसके मुंह पर एक किक मारकर उससे कहता है, और एवेंजर्स का क्या डॉक, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं उनकी टीम से बाहर निकलने वाला हूँ, और तुम्हारी वजह से ही अब मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। और कोई क्यों करेगा, क्योंकि तुमने क्राइम सॉल्व करने के लिए वायलेंस को अपनाना शुरू कर दिया है और तुम्हारे रहते कोई भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता, और ये चीज मैं कभी नहीं करता ऑक्टेवियस। और ऑक्टेवियस उससे कहता है कि ऑफ कोर्स वो ये चीज कभी नहीं करता क्योंकि वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है और उसे लोगों के सामने अपनी इमेज को हमेशा अच्छा बनाए रखना है, और उसकी इसी हरकत की वजह से उसने वल्चर को कभी भी जस्टिस नहीं दिया। लेकिन वल्चर ने क्या किया, वो बार बार वापस आया और इस बार तो उसने छोटे बच्चों को अपने सोल्जर्स की तरह यूज किया था। और मैसेकर के बारे में तो स्पाइडरमैन को बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से मैसेकर ने कई हजारों जानों को ले लिया था और उन्हीं जानों में से एक उसकी दोस्त डॉक्टर एशली काफ्का की भी थी। और ये सब कुछ बोलने के बाद ऑक्टेवियस पीटर को काफी बुरी तरह से घायल कर देता है और उससे कहता है कि पीटर ने हमेशा ही इस बारे में सोचा कि उसकी इमेज इस पूरी दुनिया के सामने हमेशा अच्छी बनी रहे, और अगर इस चीज को पीटर पार्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता था तो वो बिल्कुल गलत था। और ये सुनने के बाद पीटर पार्कर अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि वो इस बात को समझ चुका था कि ऑक्टेवियस बिल्कुल सही बोल रहा था। वो ऑक्टेवियस को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है और उसने हमेशा ही सच्चाई का साथ देने की कोशिश करी है। लेकिन ऑक्टेवियस उससे कहता है कि पीटर को ऑक्टेवियस से झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस वक्त वो उसके दिमाग में मौजूद था और जो भी चीज पीटर देख और फील कर सकता था वो सारी की सारी चीजें उसके साथ साथ ऑक्टेवियस भी देख और फील कर सकता था, और इसी वजह से वो इस बात को समझ चुका था कि पीटर ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि ऑक्टेवियस उससे ज्यादा बेटर स्पाइडरमैन है। और ये कहने के बाद वो अपनी मशीन से पीटर की मेमोरीज को वाइप करने के लिए कहता है। ऑक्टेवियस के जाने के बाद पीटर वहीं पर बैठकर उस मशीन से फाइट करने लगता है। वो अपने आप से ही कहता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं पीटर हूँ, पीटर पार्कर, पीटर पालमर, मैं कौन हूँ, मुझे अपना नाम नहीं पता, आई डोंट नो माय नेम, मैं कौन हूँ, आई एम
और इसी के साथ पीटर पार्कर की कॉन्शियसनेस उसकी मेमोरीज के साथ साथ उसके दिमाग से पूरी तरह से इरेज हो जाती है। और ये देखने के बाद ऑक्टेवियस ऑक्टोपस उस मशीन से बाहर निकलता है और सोचता है कि अब इस पूरी दुनिया में उसे रोकने वाला कोई नहीं था और आज से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पूरी तरह से फ्री हो चुका था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस यूनिवर्स में नए हैं तो प्लीज कॉमिकवर्स को सब्सक्राइब करके इस चैनल और इस यूनिवर्स का पार्ट बनिए। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सुपीरियर स्पाइडरमैन के कितने एपिसोड्स बचे हैं और इसके बाद मैं स्पाइडरवर्स को कब स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सुपीरियर स्पाइडरमैन एक बहुत बड़ी सागा है और हालांकि मैं इसे छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका हर एक पार्ट इसके अगले पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इसे छोटा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सुपीरियर स्पाइडरमैन स्पाइडरवर्स सीरीज से काफी ज्यादा बेटर है। तो अगर आप सभी लोग स्पाइडरवर्स का वेट करना बंद करके सुपीरियर स्पाइडरमैन को एंजॉय करना शुरू करेंगे तो आप सभी को इसके बाद आने वाली स्पाइडरवर्स में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक आप सभी लोग मेरे बाकी के वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।